नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाषिश, माई फिटनेस टीम में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक है वो एक स्टेरॉयड के बारे में है। क्या है ये स्टेरॉयड? इस स्टेरॉयड का नाम है स्टैनोजोलॉल, या तो आप इसको विंस्ट्रॉल बोल सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग जब भी कोई करता है और कोई भी कॉम्पिटिशन में अगर जाता है, एथलेटिक्स, बड़े बड़े एथलेटिक्स, तो ये स्टेरॉयड वो लोग यूज़ करते हैं। हालांकि अब बाकी सारे स्टेरॉयड से ये स्टेरॉयड का जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम है, ठीक है। तो सब कुछ लेके मैं बोलूँगा इस जो वीडियो है उसमें, स्टेरॉयड का नाम क्या है, कहाँ से आया, कैसे होता है ये स्टेरॉयड, यूज़ कैसे करना पड़ता है, डोजेस क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, PCT कब करना है, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर दूँगा। और आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और उससे पहले आप थोड़ा मेरे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाजू में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, उससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक और डिसलाइक बटन भी है, आप अगर पसंद है लाइक कर दीजिएगा, या पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, आपके ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं जो टॉपिक है, स्टैनोजोलॉल, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रचलित या फेमस जो स्टेरॉयड है। तो इसका ब्रांड नेम है क्या, विंस्ट्रॉल। विंस्ट्रॉल से ही हम लोग इसको जानते हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है। तो बात करते हैं स्टेरॉयड के बारे में। इसका फॉर्मूला अगर देखें तो इसका फॉर्मूला है C21H32N2O, और ये एक डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लिए डिराइव फॉर्म है। इसका मोलर मास करीबन 329 जीमोल तक हो सकता है। और इसको अगर डोज के बारे में बोले तो ओरल डोज और इंजेक्शन दोनों में ये ज़्यादा लोग लेते हैं। अगर ये ओरल में ले तो इसका 9 आवर्स हाफ लाइफ होता है, जहाँ पे ये अगर आप इंजेक्टेबल में लो तो इसका 24 आवर्स तक बॉडी में रह जाता है। और ये एक्शन कितना देर तक रहता है, इसका ड्यूरेशन ये 1 वीक तक इसका एक्शन रह सकता है। और इसको पास कहाँ से होना है मेटाबॉलिज्म, ये लीवर से पास होता है, अब अगर आप ये स्टेरॉयड ओरल फॉर्म में लो। तो बात करते हैं इसका, ये स्टेरॉयड क्या लीगल है या नहीं। अब देखिए, ये स्टेरॉयड एक इलीगल स्टेरॉयड है, USA में ये बैंड है, लेकिन इलीगल तरीके से ये USA या बहुत ज़्यादा कंट्री में ये अवेलेबल है। और ये स्टेरॉयड, अब आते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के बारे में, ये स्टेरॉयड क्या मसल बिल्ड करते हैं कि नहीं। ऑफकोर्स ये स्टेरॉयड मसल बिल्ड करते हैं, लेकिन ये स्टेरॉयड का जो प्रोसेस है इसमें इसका स्ट्रेन बहुत कम बिल्ड होता है, लेकिन इसका मसल बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। ये स्टेरॉयड तभी काम आता है अगर आप ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करो, स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करो और मेहनत लगाओ, तभी ये स्टेरॉयड काम आता है, मतलब सीरियस वर्कआउट, ठीक है। और ये मसल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए बॉडी बिल्डर्स लोग जब भी कॉम्पिटिशन होता है उससे पहले विंस्ट्रॉल यूज़ करते हैं, कि उसका मसल जब भी आपके जो कॉम्पिटिशन में हो तो आपका मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे। अब देखिए, इस स्टेरॉयड के अगर बात करें कि ये डेंजरस है कि नहीं, तो देखा जाए तो बाकी सारा स्टेरॉयड से इसका जो डेंजरस, ये खतरनाक होना बहुत कम है। ऐसा नहीं कि ये खतरनाक नहीं है, ये भी हार्मफुल है बॉडी के लिए। इसका अभी स्टेरॉयड का जो साइड इफ़ेक्ट ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये बाकी स्टेरॉयड की तरह इस ये कॉन्वर्ट नहीं करता एस्ट्रोजन में, जो कि एक अच्छी बात है। और बाकी स्टेरॉयड जैसे बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, ये स्टेरॉयड बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं करता, तो ये अच्छी बात है स्टेरॉयड के लिए। अब देखते हैं बॉडी बिल्डर्स लोग क्यों लेते हैं ये स्टेरॉयड। ऑब्वियसली ये स्टेरॉयड को वाटर रिटेंशन नहीं करता, मसल बिल्डिंग ज़्यादा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, इस सब कारण के लिए ये स्टेरॉयड ज़्यादा प्रचलित है बॉडी बिल्डिंग में। अगर आप देखें तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल के बारे में, तो ऑफकोर्स ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, ये जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल है उससे ज़्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा। डोजेस के बारे में अगर देखा जाए तो कोई भी बॉडी बिल्डर जब ये लेते हैं, अगर ओरल लेते हैं तो 40 mg लेते हैं, या तो जब इंजेक्टेबल लेते हैं तो 50 से 100 mg तक ले लेते हैं। और ये जो साइकिल है इसका, ये 5 से 6 वीक तक रहता है और उसके बाद ये बंद करना पड़ता है। या अगर देखा जाए तो ये सिस्टम में कितनी देर तक रहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ये 1 हफ्ता रहता है, या कभी कभी ये 8 से 10 दिन तक भी रह जाता है। कुछ रिसर्च में पाया गया है ये लॉन्ग टर्म भी बॉडी में रह जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट इसका मैंने पहले ही बोल दिया, दूसरे स्टेरॉयड से इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। क्या साइड इफ़ेक्ट है इसका, अगर लोगे तो एक्नी तो होगा ही, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है सब स्टेरॉयड में जो होता है। स्लीपिंग में प्रॉब्लम होगा,
हेडेक होगा आपका, सेक्सुअल डिज़ायर में चेंज होगा, नौसिया होगा, वॉमिटिंग होगा, आपका स्किन कलर थोड़ा चेंज होगा, यूरिन में प्रॉब्लम आ सकता है, और आपका स्मेलिंग थोड़ा, एंकल का जो स्मेलिंग है वो डिफरेंस होगा। और देखिए, ये जो भी स्टेरॉयड है ये हमारे बॉडी के लीवर या किडनी से पास होता है, तो ऑब्वियसली किडनी और लीवर को सपोर्ट देना पड़ता है। तो अगर लीवर का सपोर्ट बोले तो, अगर लीवर को सपोर्ट देना है तो आप ली 52 या मिल्क थिसिल यूज़ कर सकते हैं। और जो भी स्टेरॉयड का जो सर्कल है ये ख़त्म होगा, वो आप उसके बाद आपको पीसीडी करना है। पीसीडी नॉर्वाडक्स यूज़ कर सकते हैं पीसीडी में, या तो क्लोमेट, जो भी आप यूज़ करें, तो उसके बाद आप ज़रूर पीसीडी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी ये स्टेरॉयड यूज़ करोगे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा और बॉडी जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बंद कर देगा। तो जब भी आप ये पीसीडी करोगे तो भी फिर से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है फिर से उस जगह में आ जाएगा। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आप दे दिया विंस्ट्रॉल के बारे में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल गया स्टेरॉयड के बारे में। अगर कोई मैं तो बोलूँगा स्टेरॉयड मत लीजिए, अगर कोई लेगा तो उसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो मैं जो बोला इन्फॉर्मेशन उससे मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और नया वीडियो लेके मैं जल्दी आ जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।